80 के दशक में फिल्म मासूम से एक प्यारा सा बच्चा बॉलीवुड में लॉन्च हुआ, जो आज 46 साल का हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुगल हंसराज की, जिन्हें फिल्म मासूम में बेहद पसंद किया गया। जुगल हंसराज का जन्म 26 जुलाई 1972 मुंबई में हुआ। फिल्मी बैकग्राउंड से नाता होने के कारण जुगल हंसराज का फिल्मी सफर बचपन में शुरू हो गया। जुगल हंसराज ने बतौर हीरो बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1994 में जुगल हंसराज ने आ गले लग जा फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें वो बतौर हीरो नजर आए। इस फिल्म में उनकी हीरोइन उर्मिला मातोंडकर थी, वही उर्मिला जो फिल्म मासूम में उनकी बहन के रोल में थी। बाद के दिनों में जुगल हंसराज ने मोहब्बतें, पापा कहते हैं, करिश्मा और सलाम नमस्ते जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। जुगल हंसराज ने बॉलीवुड के कई सितारों के साथ काम किया है, लेकिन कभी जिस चॉकलेट बॉय की दीवानी लड़कियां थी, उसका नाम आज गुम होता जा रहा है। रिसेंट की फिल्मों की बात करें तो जुगल हंसराज को आखिरी बार फिल्म कहानी 2 में देखा गया था, जिसमें उनके साथ विद्या बालन थी। जुगल हंसराज ने इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। जुगल ने बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी अपनी पहचान बनाई। एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। हमारी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जुगल हंसराज।